शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये रानी फंस गई। आपने यहाँ हमें अपनी चाले दिखाने के लिए बुलाया है? खेल खत्म ही समझो। काहे के दोनों तरफ से हम ही जीतेंगे। शायद आपको मालूम नहीं, इस खेल में जीत सिर्फ एक ही तरफ की होती है। शायद तुम भी ठीक से देख नहीं रहे हो। दोनों तरफ से खेल तो हम ही रहे, जीत तो हमारी लिखी थी। आप सिर्फ इतना बताइए कि हमें यहाँ क्यों बुलाया? सिर्फ ये बताने के लिए, आज शाम को तुम्हारी प्यारी बीवी तुम्हें सरप्राइज देने वाली है। आपसे कितनी बार कहा है कि आप हमारे और शर्मनी के मामले में दखल ना दे तो ही अच्छा हुआ। तो हमारी पत्नी हम संभाल लेंगे। हम देखते आ रहे, आज तक तुमने कितना संभाला है अपने और शर्मनी के रिश्ते को। अगर हमारी बेटी मां बनने का नाटक ना करती ना, तो धरा का धरा रह जाता सब कुछ। खैर छोड़, आज शाम का सरप्राइज जो है हमारा तोहफा समझ के रख लो। ऐसा क्या मिलने वाला? अरे थोड़ा सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता। रानी हमारे कब्जे में है, अब राजा को वैसे ही चलना होगा जैसा हम चाहते। सुधा, आज हम बहुत खुश है। शिबू का कॉलेज कैंटीन का पहला दिन है। हाँ माँ जी, हम भी बहुत खुश हैं। बस माता रानी ऐसे ही बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखे। फिर आज से एक नई शुरुआत करते हैं। कोशिश करेंगे नई शुरुआत करने की। बिल्कुल। अम्मा जी, शिवांश अभी तक आया नहीं। स्वीटी, लो। शिवांश तुम आ गए? यही पूछ रहे थे। स्वीटी, ये तुम्हारे लिए चॉकलेट केक। चॉकलेट केक? वाह, हमारे लिए? थैंक यू शिवांश, थैंक यू सो मच। हम बहुत खुश हैं। थैंक यू शिवांश, आज हम बहुत खुश हैं, बहुत बहुत खुश। तुम हमारे पसंद का केक लाए हो। आप उस दिन हमने तुम्हारा वैलेंटाइन डे खराब कर दिया था, तो बस उसी के लिए केक ले आए हम। रोहन, ये फ्लावर्स तुम्हारे लिए, तुम्हें पसंद है ना? क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? लो ना। शर्मनी, थैंक यू, पर इसी क्या जरूरत थी? तुम्हारी तबीयत खराब थी ना? कैसी है तबीयत? फीवर? देखो बात तो। टेंशन हो रही थी हमें, अब बेटर लग रहा है। माँ ने मेडिसिन दी और माँ को सूप देने भी कहा था। सूप मिला? हाँ, ली थी, पहले से बेहतर है।
तो चंद्रा जी इसी की बात कर रही थी। अच्छा स्वीटी, तुम तैयार हो जाओ, हम खाना खाने बाहर चलेंगे। श्रवणी ने आखिर में अपना जादू चला ही दिया। खाना खाने हम दोनों एक साथ? मम्मी सुना आपने, शिवांश और हम दोनों डिनर पे जाएंगे। चलो हम दोनों तैयार हो जाते। चलो स्वीटी, हमारे पास एक आइडिया और है। हमारा मतलब है कि हम बाहर क्यों जाएं? हम पार्टी घर में करते हैं सबके साथ। जैसी पार्टी तुमको पसंद है, नाच गाना मस्ती। हाँ? और देखो ना, रोहन का बुखार भी उतर गया है ना। रोहन तुम ठीक हो ना? बिल्कुल। क्यों अम्मा, हम सही कह रहे हैं ना, हम सब साथ में पार्टी करते हैं। हाँ हाँ शिवू, तुम लोग पार्टी मनाओ, हम ना बड़े मंदिर जा रहे हैं सुंदरकांड सुनने। बड़की ठकुरान, तुम भी चलो हमारे साथ, तुम यहाँ बच्चों में क्या करोगी? अरे अम्मा जी, असली कांड तो यहाँ घट रहा है और इसके रचयिता भी हम हैं। मंदिर चले गए तो यहाँ का खेल कौन संभालेगा? क्या हुआ बड़की ठकुरान, चलोगी ना हमारे साथ? वो अम्मा जी, हम सोच रहे थे यहाँ पार्टी है तो ये लोग तो पार्टी में मजे करेंगे, और दोनों बहुएं पेट से हैं तो खाने पीने का इंतजाम करना पड़ेगा ना। किसी बड़े को समझदार को घर में रहना चाहिए। हाँ ये भी जरूरी है। हाँ मम्मी आप मत जाओ, क्या पता हमें जरूरत पड़ जाए, है ना? अम्मा जी वो आप वसुधा जी को लेके चले जाइए। हाँ क्यों नहीं। हाँ अम्मा हम चलेंगे। दीदी चलो, तुम और रोहन भी जल्दी से तैयार हो जाओ, हम घर पे ही पार्टी करेंगे आज। चले रोहन। हाँ। जी मैडम जी, ये रहे आपके गर्मा गर्म समोसे, तीखी और मीठी चटनी के साथ, और चाय। थैंक यू। खाइए। अच्छा है ना? बहुत। अब आप अपनी असली बात पर आइए। आप हमसे कहना चाहते हैं? शिवांश, आपको कैसे पता कि हम आपको है ना बहुत अच्छे से जानते हैं? अब बताइए जो आप कहने आई हैं। शिवांश वो स्वीटी, स्वीटी मां बनने वाली है, आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। स्वीटी ने कुछ कहा आपसे? हम पर भरोसा रखिए, हम अपने सारे फर्ज बहुत अच्छे से निभाएंगे। उसे आपके फर्ज की नहीं, प्यार की जरूरत है। शिवांश, वो भी हर प्रेग्नेंट लड़की की तरह सिर्फ इतना ही चाहती है कि उसका पति उसे पलकों पर बिठा कर रखे। नहीं, ये सब हमको नहीं सोचता है। अरे तो फिर ये दोस्त किस लिए? हम बताएंगे आपको कि क्या करना है। देखिए ना, स्वीटी ने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई और आपने उसे कोई तोहफा भी नहीं दिया। आज तक कभी प्यार से उसका सर नहीं सहलाया। उसका इतना मन होता है घूमने फिरने का आपके साथ, और आप शिवांश। हमसे नहीं हो पाएगा ये सब। क्यों क्यों नहीं हो पाएगा शिवांश? जब आप हमसे गुस्सा थे, जब आप टूट रहे थे, बिखर रहे थे, तब उसी ने संभाला आपको, उसी ने सहारा दिया, उसी के साथ आपने शादी की, याद है ना? काश हमने आपको तकलीफ देने के लिए स्वीटी के साथ शादी ना की होती, तो आज Thank you.
शिवांश देखे, अब जो हो गया सो हो गया, अब यही आपकी सच्चाई है, स्वीकार कर लीजिए इसे स्वीटी, और उसके बच्चे के बारे में सोचिए। और आप कर पाएंगे ये सब? हम शिवांश, हम दोनों बहुत खुश हैं, बहुत मस्ती करते हैं साथ में खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, यहाँ तक कि पढ़ाई भी साथ में करते हैं। और आप जानते क्या, हम दोनों का तो सपना भी है साथ में हॉस्पिटल खुलने का। ठीक है, कोशिश करेंगे आपकी तरह समझदार होने की। अनजाने में से स्वीटी हमारे बच्चे की माँ बनने वाली है ना, है ना? और दोस्त की बात कैसे टाल सकते हैं, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। कैसी शर्त शिवांश? हम जानना चाहते हैं कि अभी अभी आपने जो ये सब कहा है इसमें कितनी सच्चाई है। अब हम समझे नहीं शिवांश, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब हमने कभी आप दोनों को आम पति पत्नी की तरह हंसते बोलते देखा नहीं। शिवांश आप भी कैसी बातें करते हैं? कोई बात नहीं, अब आप आगे से ध्यान से देखना, आपको पता चल जाएगा। आज शाम को तुम्हारी प्यारी बीवी तुम्हें सरप्राइज देने वाली है। आज इस मेहरबानी की वजह जान सकते हैं? देखो रोहन, हम तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते हमारे बीच में कोई गलतफहमी हो। रोहन, बात यह है रोहन की शिवांश ने उस बच्चे के लिए शादी में रहने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन स्वीटी के साथ उनका दिल नहीं जुड़ पा रहा है। और शिवांश को लगता है कि हम भी सही तो लगता है, पर अब क्या इसमें? और इसीलिए उन्होंने आज ही पार्टी भी रखी है। ये जानने के लिए कि हम पति पत्नी के रिश्ते में कितना आगे बढ़े हैं, राइट? तो ये सब इसलिए कि हमें शिवांश के सामने रोमांटिक होने की एक्टिंग करनी होगी। रोहन प्लीज, हमारी दोस्ती की खातिर प्लीज रोहन। नहीं शमी, हम तुम्हारे साथ प्यार करने की एक्टिंग नहीं कर सकते, जानती हो क्यों? क्योंकि हम तुमसे सच में प्यार करते हैं। इसलिए हमें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज पार्टी की महफिल तो हम जमाएंगे। चले पार्टी।
पार्टी शुरू होगी। मम्मी, शिवानी ने सच में क्या कमाल किया ना। शिवांश को देखा आपने, कितना खुश है, अभिनय कर रहा है। और ये अभिनय करते करते ना वो बहक भी सकता है, और अगर बहक गया तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा, काहे के बच्चे वाली बात सच भी हो सकती है, और अगर ना भी हुई सच तो बच्चे गिराने का नाटक करना और सारा इल्जाम श्रवणी पे डाल देना। कहा था ना, दोनों तरफ से जीत हमारी है। मम्मी मम्मी, क्या चाल चली है आपने, मानना तो पड़ेगा। पर मम्मी, मम्मी ये सब चाल वाल से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस शिवांश चाहिए, बस। हम तो जा रहे पार्टी करने, आप भी जल्दी आ जाना, ठीक है, जा रहे। शिवांश चाहिए। स्वीटी, तुम्हारे लिए तो हम कर ही रहे हैं, हमारा असल मकसद जो है ना, श्रवणी को बर्बाद करना है। से बहुत प्यार करते, यही सच है, लेकिन देखिए हालातों ने हमें कहां पहुंचा दिया है। कि हमें आप ही को यकीन दिलाना है कि हम आपसे नहीं रोहन से प्यार करते हैं। हालातों ने आपको झूठ बोलना भी सिखा दिया। हमारा मन ये मानने को तैयार नहीं कि आप रोहन को अपना पति मान चुकी हैं, और ये हम आज साबित कर देंगे। भाई वाह, आपका स्वागत है हमारी पार्टी। एक बात कहे आपसे? कहिए। बला की खूबसूरत लकड़ियां हमारी दोस्त, साथ में दोस्त का पति भी है, तो थोड़ा लिहाज। अरे भाई माफ करना, माफ करना भाई, हमने तो सुना है कि दोस्त का जो पति होता है ना, वो जीजा और फूफा से ज्यादा खतरनाक होता है। एक बार अगर वो मुंह फुला ले तो भाई सारे बम हम पर ही गिरने हैं। फिर शिवांश, आज तो हम दुनिया के सबसे लकी गर्ल है, हमारा प्यार हमारे साथ जो है ना। तो क्या पार्टी में आप सिर्फ हम चार ही हैं? अरे भाई, हम चारों की चॉकलेट किसी से कम है क्या? अरे वो कहते हैं ना कि हाँ, चार यार मिल जाए तो क्या, चार यार मिल जाए तो वही रात हो गुलजार। हाँ, चार यार मिल जाए तो वही रात हो गुलजार। इस रात को गुलजार बनाने के लिए कुछ और भी तो करना होगा। वैसे शिवांश, तुम्हारी ये पार्टी ना बड़ी फीकी फीकी सी लग रही है। भाई अब आप आई है तो धमाका तो अपने आप हो ही जाएगा। चलिए पार्टी धमाकेदार बनाते हैं, ठीक है? चलिए। शिवांश,
जिसने हमसे वादा किया था आप शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे। देखिए दोस्त, आप अपनी हद में रहिए। हमारा मतलब है आपके पति वहां है, अपना हक आप उन पर जताइए। शिवांश को लगता है कि हम पति पत्नी के रिश्ते में कितना आगे बढ़े, इसीलिए उन्होंने आज ये पार्टी भी रखी है। हम तुम्हारे साथ प्यार करने की एक्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि हम तुमसे सच में प्यार करते हैं। ये शराब की बोतलें शराब के लिए नहीं, खेल के लिए है। बताओ क्या चूज करोगे? हम डेयर चुनेंगे। बीवी से गौ की गालों पे किस करें? हम ये डेयर पूरा करेंगे। आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।